दोस्तों मुर्गों के लिए जो है वो मैं सेब वगैरह लेके आया हूँ। मैं कहा चल सेब वगैरह डालते हैं, ठीक है, तो इस साइड पे डालते हैं, हमारी मुर्गी ना उठ के आ जाए। कितने जो है ना वो कह रहे हैं कि फटाफट जल्दी डालें। येलो 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 डाल दिए सारा, ठीक हो गया जी। चिक्स का अग्रण डालते हैं, थोड़ा बड़ा है ना इसलिए चिक्स का अग्रण डालते हैं हम लोग, तो इसका अग्रण का डाल दिए। इसको अगर मैंने बोरी रखी है क्योंकि ये देखती है तो एकदम से अंडों के ऊपर से उठ के आ जाती है बार बार। तो मुर्गी के जो है कल रात को इंजेक्शन भी लगा दिया था माशाल्लाह, तो अभी जो है माशाल्लाह थोड़ी बहुत गर्दन जो है वो उठा रही है ऊपर। चिक्स के आगे डालते हैं, अपने चूजे के आगे एक डालते हैं, देखते हैं डाल दिया, वो लेके भाग गया। परिंदों को जो है ना वो मैंने बंद कर दिया जी, इस तरह से बंद कर दिए ताकि जो है वो ठंडी हवा वगैरह अंदर ना जाए। उस साइड से गली वाली साइड से ही मैंने बंद कर दिए, फ्रंट वाली साइड से, तो यहाँ से ही मैंने इनको बंद कर दिया। वैसे आपको मैं दिखाता हूँ परिंदे हमारे कर क्या रहे हैं। परिंदे जो है ना जैसे ही बारिश हुई, हल्की हल्की ठंड हुई है, तो सब ही जो है ना अपनी अपनी इन्होंने जगह जो है वो संभाल लिए, पकड़ लिए कि चलो यहाँ पर बैठ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जो हम दानिश कमाल दरोगी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और शौक करें, तो माशाल्लाह बहुत जो है वो रात को भी बारिश हुई है और अभी भी बारिश स्टार्ट हो गई, ठंड हो चुकी है दोस्तों। और आज हमारी जो स्लेटी माती है माशाल्लाह वो भी जगह ढूंढ रही है दोस्तों अंडा देने के लिए। काफ़ी महीनों के बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह जी अंडा देने के लिए आ चुके हैं दोस्तों। सामने जो है वो जगह ढूंढ रही है माशाल्लाह। मैंने पेटी अंदर ही रख दी थी क्योंकि बाहर घूम रही थी ज़्यादा, तो मैंने कहा चलो इसको केज में ही बंद कर देते हैं और जो है अपने आराम सुकून से पेटी में अंडा दे देगी। तो पहले मैंने कहा था यार इसको जाना इसको दे देते हैं कुछ, इसके लिए कुछ और मुर्गे के लिए जाना वो ले आते हैं, क्योंकि जो सेट ही नहीं हो रही थी हमारी स्लेटी माती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो चुकी है। तो आज देखते हैं कि किस टाइम अंडा देती है, फर्स्ट टाइम इसका अंडा यहाँ पर वाला कर दे देते हैं। तो वो लाठी माती है ना जो दोस्तों हमारी, वो भी इस पीलू के साथ हमने छोड़ी हुई थी, तो पीलू के साथ हमने छोड़ी हुई थी, वो भी अंडा नहीं दे रही थी। हालांकि अंडों पे आई हुई है लेकिन अंडा नहीं दे रही है वाली। अंधेरा हो चुका है दोस्तों मौसम की वजह से, क्योंकि जो है बादल काफ़ी गहरे बादल आ चुके हैं जी। तो चले देखते हैं साथ साथ, हमारा पीलू जो है ना इधर घूम रहा है दोस्तों। तो केजेस वगैरह मैंने इधर ही रख दिए अंदर क्योंकि बारिश वगैरह का इम्कान था, तो मैंने कहा चलो अंदर घी लेना आ जाए। और जो है हमारे पिजन्स भी अलमारी के अंदर महफूज हैं, छः जोड़े पैरट्स भी माशाल्लाह अपनी दाना पानी खाने में मसरूफ़ हैं, ठीक है। कॉकटेल्स भी इधर इस साइड में मस्ती भी करो। तो पीलू को दोस्तों मैं बाहर छोड़ता हूँ ना तो ये बहुत मस्तियाँ करता है, वो जावा इतना मस्ती नहीं करता। पीलू जो है ना ये कबीर से लड़ने की कोशिश करता है, कबीर से। तो वाइट वाला तो डर गया दोस्तों इससे, वाइट वाला तो डर गया, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद फिर जो है पीलू के आगे सीधा हो जाए। चले अभी देखते हैं, इंतजार है कि सेटी माती हमारी कब अंडा देती है, ठीक है देखते हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं कवर करता हूँ ताकि जल्द से बैठ जाए आराम से, उनसे अंडा दे, क्योंकि बार बार जो है ना बाहर पीछे आ जाती है। तो मुर्गा जो है उसको जगह बना के दे रहा है दोस्तों, ठीक है। इस साइड में भी हमारी जो मुर्गी है माशाल्लाह ठीक है, अंडों में बैठी हुई है। सुबह मैंने इसको खोला था तो अभी जो है ना एक्टिव होकर बैठी हुई है माशाल्लाह, ठीक है। तो और दोस्तों वो इस जो मटकी में ना हमारे जो लव बर्ड हैं ये वाले, इन्होंने डस्टिंग वगैरह अंदर जो है वो घोंसला अपना बना लिया, ठीक है, अंदर अपना घोंसला वगैरह बना लिया माशाल्लाह। तो जैसे जल्द से कब अंडे देते हैं, ठीक है। ब्रीडिंग तो भी जो है तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह, तो अभी इंतज़ार है अंडे कब देते हैं माशाल्लाह। बारिश दोस्तों बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, आवाज़ आपको आ रही होगी चादरों के ऊपर जो है वो इसकी कनियाँ जो है वो लग रही हैं, तो बारिश काफ़ी तेज़ हो चुकी है दोस्तों। अभी मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। इस साइड पे कॉकटेल्स भी हमारे दोस्तों जो है वो थोड़ी थोड़ी डस्टिंग वगैरह लेके जाते हैं, हालांकि ये जो है मटकी में ऐसे ही अंडे देते हैं, ये वगैरह घोंसला वगैरह अपना नहीं बनाते हैं, लेकिन ये है कि ये वाला पेड़ जो है वो लेके जा रहा था, ठीक है। और माशाल्लाह पेड़ वगैरह हमारे लग चुके हैं, ये वाला जो है ना सीटियाँ वगैरह भी हैंड टेन भी है, तो अगर मैं सीटियाँ वगैरह इसके साथ बजाऊँ ना तो ये भी मेरे साथ ही है बोलता है। फिर ये देखें दोस्तों, वाइट वाली पट्टी मुझे काटने पे लगी हुई है, ये देखिए वाइट वाली पट्टी जो है ना मुझे काटने पे लगी हुई है, अभी बोल रहा है दोस्तों ये देखिए।
आज तुम्हारे ये वाले जो पैरेट हैं इन्होंने भी जो है ना काफ़ी सीटियाँ वगैरह बजाई हैं। ठीक है, अभी मैं आपको अंदर से शौक करवाता हूँ थोड़ा सा फिंचेस के आगे। दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि छोटा ब्रेक वाला जो है ना वो बाजरा वही डालूँ, क्योंकि छोटी है ना तो ज़्यादा आराम से खा लेती है। ये वाला जो दाना है ना ये थोड़ा मिक्स है और इसमें मकई और गंदम वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, इस वजह से ये सही तरह से नहीं खा सकती। और हमारे ये पैरेट है माशाल्लाह, इनका ये पेड़ तो लगा हुआ है लेकिन ये कभी मटकी में जाते हैं कभी नहीं जाते। ठीक है, तो माशाल्लाह चेक करें, इनकी दो हमने मटकी लगाई है, एक वो गोल वाली छोटी मटकी लगाई हुई है, ये भी बड़े साइज़ में ही होती है, बिल्कुल छोटी वाली नहीं होती। और एक इस साइड पे हमने ये बड़ी वाली मटकी लगाई हुई है, बिल्कुल स्टिक के साथ लगाई हुई है। ये चेक करें माशाल्लाह दोस्तों, सारे ही जो है ना मटकी के पास जो है वो बैठे हुए हैं। इनके आगे भी हमने डस्टिंग वगैरह रख दिए, तो अभी तक इन्होंने मेरे को घोंसला वगैरह अंदर नहीं बनाया, मैंने नहीं देखा कि ये कुछ ले के गया हो अंदर। और माशाल्लाह जल्दी इंशाल्लाह इनका पेड़ लगा हुआ है, कम्प्लीट है, लेकिन अभी तक ये ब्रीडिंग के नहीं आए हुए, तो देखते हैं कब क्या कब जो है ना ये घोंसला वगैरह बनाते हैं और कब अंडे वगैरह देते हैं। तो थैंक यू, ये काफ़ी सारी ड्रेसिंग वगैरह दाना भी इनके आगे पड़ा हुआ है, पानी भी हम लोगों ने इस बर्तन में रख दिया इसका। और माशाल्लाह सही खोले जो है ना ये पर वगैरह अपने जिसमें इंजॉय कर सकते हैं, यहाँ से उड़ते हैं वहाँ पर बैठ जाते हैं, वहाँ से उड़ते हैं यहाँ पर, आराम सुकून से, बड़ा केज है दोस्तों तो आराम से जो है ना घूमते फिरते रहते हैं। वाइट पट्टी मेरे पास आई हुई है जी, वाइट पट्टी जो है ना वो हमारे साथ ली हुई है काफ़ी, ठीक है, तो मेरे पास आ जाती है जब मेरे को कुछ खाना वगैरह नीचे से लेके आता हूँ ना, बाकी आती है माशाल्लाह बेहतरीन चीज़ है ये भी, इसको भी जल जाओ हम वाइट के साथ जो है छोड़ देंगे, इसी के साथ छोड़ देंगे, क्योंकि ये तो अभी जो है ये वाली जो है अभी अंडों पर बैठी हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा कि पच्ची की जगह जो है ना मैं इंटे लगा के ना तो गुलाई में सही तरह जगह बना के गुलाई में ऐसे ही बिठा दिया करूंगा, ताकि पच्ची में ये मैं है तंग ना हो जाता, तंग तो नहीं होती, बड़ी पच्ची है टोकरी है बड़ी वाली, तंग तो नहीं होती ज़्यादा, लेकिन ये है कि चलो फिर कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसको ऐसे करेंगे, क्योंकि एक जो केज है ना हमारा फिर वो एक इसके लिए फिर रहता है, फिर हमें थोड़ी सी इस केज में कोशिश करेंगे पार्टीशन कर दें। लकवे वाली मादी को मैंने ड्रॉप्स दे दिए थे, ठीक है, रात को इंजेक्शन लगा दिया था, आज रात को एक और इंजेक्शन लगाएंगे इंशाल्लाह। और जो है काफ़ी दोस्तों मुझे थोड़ी सी ना कंप्लीट थोड़ी सी बेहतर, अभी देखे गर्दन काफ़ी उठा रही है माशाल्लाह, पहले तो बिल्कुल टांगों में जो है ना गर्दन इसकी जाती थी, तो चूज़ा हमारा भी यहाँ भाई ये यहाँ से बाहर आ जाते, मैंने इसलिए ये रखा हुआ है, तो उसको भी कम्प्लीट इसको बंद कर देंगे, क्योंकि मेरा इरादा था इसको ऊपर यहाँ पर लें लेकिन यहाँ से बाहर आ जाता था, तो अभी ठीक है यहाँ पे ठीक है, जहाँ नीचे वाला जो पोर्शन है ना ये केज ये गर्म है थोड़ा सा, नीचे वाला केज जो है ना ये गर्म है, इस साइड पे ज़्यादा हवा वगैरह नहीं आती, वहाँ से सीधी हवा आ सकती है तो जो हमारा चूज़ा है उसको ठंड लग सकती है, क्योंकि हर टाइम तो नहीं बैठती ना ये, जब बैठती है तो फिर हीटअप के लिए इसको हीटअप चाहिए होती है, गर्माइश चाहिए होती है इसको। चलो इनको खाने पीने देते हैं, इनको यहीं पर छोड़ देते हैं दोस्तों, रात का टाइम हो गया जी माशाल्लाह, तो अभी जितने भी परिंदे हमारे माशाल्लाह बंद कर दिए मैंने सबको जी, ठीक है, तो अभी वाइट वाली पट्टी को मैंने थोड़ा खोले जाएंगे थोड़ा सा घूम फिर ले, और साथ में वाइट पट्टा थोड़ा सा जो है वो खुला हुआ है जी, ठीक हो गया। तो आज माशाल्लाह स्लेटी मादी ने भी दोस्तों अंडा दे दिया जी, ठीक है, तो स्लेटी मादी ने भी आज जो है वो एक अंडा दिया, पहला फर्स्ट अंडा हमारे सेटअप पर, तो इंशाल्लाह मजीद भी देगी, जब इसके भी एग्स पूरे हो जाएंगे तो फिर हम इसके नीचे भी जो है वो रख देंगे इंशाल्लाह। तो बाकी वो दूसरी बैठी हुई है माशाल्लाह अंडों पे, तो अभी जो है मैं पानी वगैरह इनका निकालता हूँ और वीडियो का करते हैं ऐड, तो जैसे कि आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दीजिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।